हे गाइस, वेलकम बैक द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मसल ब्लेज परफॉर्मेंस वे का। अगर आप ये प्रोटीन बाय कर रहे हैं या फिर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले। और साथ ही साथ इसका एक्यूरेसी चेक करेंगे MB प्रो चेक के साथ। और इस वीडियो में गिव अवे है मीवी के ईयरबड्स और साथ ही साथ रेसिस्टेंस बैंड का, जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो मेरे पास है ये चॉकलेट फ्लेवर का 2 kg का बॉक्स, जो मैंने मसल ब्लेज की ऑफिशियल साइट से बाय किया है। तो यहाँ पर बीच में कोई भी थर्ड पार्टी स्टोर या फिर थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ निकलती है तो वो सारी प्रॉब्लम मसल ब्लेज की होने वाली है। अगर आप ये बायोजन परफॉर्मेंस खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि अगर हम मसल ब्लेज की साइट पर देखें तो हमें वहाँ पर 2 बायोजन वे देखने को मिलता है, एक बायोजन वे, एक बायोजन परफॉर्मेंस वे। तो लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इनमें से कौन सा खरीदें। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप बायोजन वे की तरफ देखते हो तो उसमें आपको 33 ग्राम की स्कूप में 25 ग्राम वे प्रोटीन मिलता है। अगर आप बायोजन परफॉर्मेंस वे की तरफ देखते हैं तो आपको इसमें 36 ग्राम की स्कूप में 25 ग्राम वे प्रोटीन देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ इसके प्राइस में भी डिफरेंस आ जाता है। इसमें स्कूप साइज ज़्यादा है तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है, उसमें स्कूप साइज कम है इसलिए उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बायोजन वे खरीदने की सोच रहे हैं तो उसका प्राइस आपको 53,000 देखने को मिलेगा। अगर आप किसी का कूपन कोड या फिर सेल के दौरान खरीदते हैं तो आपको प्राइस ड्रॉप थोड़ा सा और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ साथ आपको बायोजन परफॉर्मेंस वे का प्राइस थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा बायोजन वे के कंपेयर में। बात करें फ्लेवर की तो आपको बायोजन वे और बायोजन परफॉर्मेंस वे दोनों में 12 फ्लेवर देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि ज़्यादा फ्लेवर है। लेकिन उनमें से कुछ 6-7 फ्लेवर ही स्टॉक में रहते हैं, बाकी आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अब इसका MB प्रो चेक के साथ एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और वे प्रोटीन का एक्यूरेसी चेक किया जाए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम 2 वे प्रोटीन का ऑलरेडी एक्यूरेसी चेक कर चुके हैं। ये हमारा एक्यूरेसी चेक करने के लिए सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हमें इसमें 2 टेस्ट ट्यूब मिलती है और सेम 2 केमिकल की बोतल। तो एक वे प्रोटीन के लिए 1 टेस्ट ट्यूब और 1 केमिकल की बोतल इनफ है। टेस्ट के लिए हमें चाहिए होगा 35 ml केमिकल। तो इसकी सील ब्रेक कर लेते हैं। ऑलराइट, तो सील ब्रेक हो चुकी है। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में 35 ml केमिकल डालना है। अगर ज़्यादा होता है तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। ये है पूरा 35 ml और बाकी प्रोटीन लेना है हमें 1 स्कूप वे प्रोटीन और 200 ml कोल्ड वाटर। ओके, ये हो गया 200 ml कोल्ड वाटर। अब परफेक्टली 1 स्कूप वे प्रोटीन। ये लेने वाले हैं परफेक्टली 1 स्कूप, नो चीटिंग। ओके, 1 स्कूप वे प्रोटीन। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और अब टेस्ट ट्यूब में डालना है 10 ml वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन डालते ही अगर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि इसमें वे प्रोटीन है। ओके, तो अब परफेक्टली डालते हैं इसमें 10 ml, यानी कि अब ये हो जाएगा 45 ml टोटल। ऑल राइट, तो परफेक्टली अब इसको डाल के हल्का सा सेक कर लेते हैं।
पहले थोड़ा सा देखते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। और अब इसको अच्छे से 10 सेकंड सेक कर लेते हैं। अगर ये इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, फटने लग जाता है दूध की तरह, तो इसका मतलब है कि इसमें वे प्रोटीन है, या फिर ये इसमें मिक्स ही हो जाता है तो ये फेक है। तो अभी से रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि इसमें वे प्रोटीन है। और कितने परसेंट तक वे प्रोटीन है वो पता चलेगा हमें 24 आवर बाद। तो अभी बात कर लेते गिव अवे के बारे में। सो अभी मेरे पास है 4 मीवी के ईयरबड्स और रेसिस्टेंस बैंड, लेकिन इस वीडियो में गिव अवे करेंगे 1 मीवी के ईयरबड्स और साथ ही साथ रेसिस्टेंस बैंड का। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो बाकी का भी गिव अवे बाकी वीडियो में कर देंगे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है, आपको 4 सिंपल स्टेप करने। सबसे पहला आपको हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, तीसरा एक कमेंट करना है, और साथ ही साथ उस कमेंट में अपनी इंस्टाग्राम आईडी जरूर मेंशन करनी है। क्योंकि जब हम विनर चूज करेंगे तो एक रैंडम कमेंट पिक कर वेबसाइट के थ्रू चूज करेंगे, जिसमें एक रैंडम कमेंट चूज करेंगे और उस कमेंट में जिसकी भी इंस्टाग्राम आईडी होगी वो विनर होगा, और उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर दिया जाएगा कि यू आर द विनर। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है, और जैसे इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट होती है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। और जितनी जल्दी ही हम टारगेट को अचीव करेंगे उतनी जल्दी ही दूसरी वीडियो में बाकी ईयरबड्स का भी गिव अवे कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जो भी विनर चूज किया जाएगा वो कमेंट से ही चूज किया जाएगा, और जब तक 200 लाइक्स कंप्लीट नहीं होंगी तब तक गिव अवे का रिजल्ट भी अनाउंस नहीं किया जाएगा। जैसे ही वीडियो पर 200 लाइक्स कंप्लीट होती है गिव अवे का विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट तो कर ही लिया होगा, लेकिन अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अभी करीब 10 मिनट हो चुके हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हो चुकी है, सो अभी इसको छोड़ देते हैं। 24 आवर के बाद हम मिलेंगे 24 आवर के बाद, और देखते हैं कि हमें इसमें कितने परसेंट तक वे प्रोटीन मिलता है, क्या ब्रांड बोलता है उतना ही मिलता है या फिर कम मिलता है। सो 24 आवर बाद मिलते हैं। 24 hours later. Okay, तो अभी almost 24 hour हो चुके हैं, और अभी find out करते हैं कि हमें क्या result मिला है, और साथ ही साथ इस video में इसका inversion test भी करेंगे जो बाकी videos में करना रह गया था, यानी कि bottle को उल्टा करके देखेंगे। अगर नीचे जो matter जमा हुआ है वो solid रहता है तो इसका मतलब है कि वो protein की quality को show करता है। अगर 30-40% तक भी lose हो जाता है, 40-60%, 40-50% वो normal है। अगर इससे ज़्यादा lose होता है तो मतलब कि protein में गड़बड़ है। सो सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 36 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम वे प्रोटीन मिलता है तो ये कितने परसेंट तक बैठता है, तो ये बनता है 69.444%, ऑलमोस्ट 70%। तो अभी चार्ट में फाइंड आउट करते हैं और इसमें देखते हैं टेस्ट ट्यूब में हमें कितने परसेंट तक वे प्रोटीन मिलता है। तो टेस्ट ट्यूब में जो रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है उसको टेबल से मैच करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि हमें कितने परसेंट तक वे प्रोटीन मिलता है इस मसल ब्लेज बायोजान परफॉर्मेंस वे में। इस टेस्ट ट्यूब में लेवल है हमारा 10 पर। आगे आके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो अब चार्ट में देखते हैं 10 पर होता है तो क्या होता है। अगर 9 से 10 ml के बीच में है तो हमें मिलता है 65-75, और 10 से 11 के बीच में है तो हमें मिलता है 75-85%। और इसमें हमें शो हुआ है कि 10 ml, तो 10 ml से हमें मिलता है अराउंड 75% के बीच में, जो कि ठीक है क्योंकि ब्रांड बोलता है कि हमें 70% वे प्रोटीन मिलता है 1 स्कूप में, और इस रिजल्ट से फाइंड आउट हुआ है कि हमें 75% तक मिल जाता है। तो इस टेस्ट के हिसाब से तो काफ़ी परफेक्ट है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो मसल ब्लेज की वेबसाइट से बाय कर सकते हो, और आपके जो कन्फ्यूजन है आई होप वो दूर हो गए होंगे कि बायोजाइन खरीदे या फिर बायोजाइन परफॉर्मेंस वे खरीदे। और आपने गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि इस MB Pro चेक के साथ और भी वे प्रोटीन का एक्यूरेसी टेस्ट किया जाए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम।